So the third point that is banks create instruments of credit such as checks, bank draft, telegraphic transfer, online transfers, and ATM facilities. This makes the business activities more effective and efficient. Bank facilities offer karta. मुख्तल किस्म के इंस्ट्रूमेंट ऑफर करता है जिसके थ्रू मनी की ट्रांसफ़र हो सकती है जिसके थ्रू मनी को विड्रा कर सकते हैं यानी मनी की मूमेंट हो सकती है वो ड्राफ्ट के थ्रू हो सकती है वो ऑनलाइन हो सकते हैं जो कि हम करते हैं या वो एटीएम के थ्रू भी हो सकती है तो एक, किसी भी टाइम हम एटीएम के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं बैंक से किसी भी बैंक से भी निकाल सकते हैं सही अगर हम, example, तो है अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से इंग्लैंड पैसे भिजवाएँ तो हम ऑनलाइन भिजवा सकते हैं अगर हम किसी यूनिवर्सिटी किसी डिपार्टमेंट किसी और जगह हम भिजवाना चाहें तो हम ड्राफ्ट के थ्रू भिजवा सकते हैं सो दिस इज़ आल्सो अ गुड फैसिलिटी फॉर फॉर द पीपल दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैंक importance that is the bank encourage trade and commerce by providing short and medium term loans। और ये भी इंक्रेज करते हैं बिजनेसिस को भी वो मीडियम बिजनेस हो गया वो स्माल बिजनेस इवन वो लार्जर बिजनेस हो गया सही है इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो आ, ट्रेडिंग आ, होती है सही है तो उसके लिए भी ये एक लोन प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं वो मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटेट करते हैं तो अगर ये बैंक नहीं होते अगर ये फैसिलिटी ऑफर नहीं करते तो फिर इकोनॉमी स्टॉप हो जाती क्योंकि ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाती बिजनेस स्टॉप हो जाती तो पूरी इकॉनॉमी स्टॉप हो जाती तो दिस इज द बिग रोल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय ऑफरिंग द लोन टू डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लोन टू स्टार्ट द बिजनेसिस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कॉमर्स एज वेल तो यहां पर अगर ये चीज नहीं होती तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती पूरी इकोनॉमी बैठ जाती तो इसका मतलब कि यहां पर इसी पॉइंट के बेसिस पे कमर्शियल बैंक प्ले अ प्रोमिनेट रोल इन द इकोमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ लोन्स टू द public to the needy people. And the next that is bank facilitate import import to, by offering letter of credit facility and providing guarantees. And this is also I have also mentioned in the uh the 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 the, the early uh, slides ke yahan par kya hai ke bank facility import के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एक्टिविटीज़ के लिए एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रोवाइड एल सी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गारंटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ को इम्पोर्ट करना हो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल चाइना से इम्पोर्ट करना हो पाकिस्तान तो चाइना में जो बंदा बैठा है वो एक्सपोर्ट करता है इस बंदे को टू तो पाकिस्तान तो उस उसके पास ये गारंटी है कि ये अगर मैं उसको ये एक्सपोर्ट कर तो वो मुझे पेमेंट कर करेगा या नहीं तो ट्रस्ट नहीं होता यहाँ पर इस बंदे को जो पाकिस्तान में बैठा होता है उसको ट्रस्ट ना कर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पहले पैसे भिजवा दूँ मे भी कि वो मुझे एक्सपोर्ट ना करे इसको भी वो क्या होता है ट्रस्ट नहीं होता तो फिर बीच में बैंक्स आ जाते हैं और बैंक गारंटी वगैरह लेते हैं और उनके बेसिस पे वो क्या हो जाती है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स हो जाती है सो दिस आल्सो अ गुड इम्पोर्टेंस